दोस्तों हम बात कर रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशंस की. आइडियल गैस इक्वेशंस जिसको हम इक्वेशन ऑफ स्टेट या कंबाइंड गैस लो के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत सारे रूल्स के साथ मिलके बनती है, जिसमें बॉयल्स लो जो कि बता रहा है पी प्रोपोर्शनल 1/V, चार्ल्स लो वी प्रोपोर्शनल टी, एंड अवोगाड्रोस लो वी प्रोपोर्शनल एन. इन सबसे मिलकर बना है और यहाँ हमारे पास आ रहा है पी वी प्रोपोर्शनल आर एन टी. अगर एन टी हटाएंगे तो एन आर टी आ जाएगा. यस और नो, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपको क्या लग रहा है पी प्रोपोर्शनल टी, एंड इतना हमें मालूम है वी प्रपोर्शनल भी टी है. तो इस तरह से हमें देखने पे लग रहा है कि पी प्रपोर्शनल वी होना चाहिए था, नहीं होता. क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ बॉयल्स लगा रहे होते हैं तब आपके पास टी कांस्टेंट होता है, और जब वी प्रपोर्शनल टी लगा रहे होते हैं तब पी कांस्टेंट होता है. तो इस तरह से हम इन दोनों को डायरेक्टली नहीं बोल सकते, दोनों अलग अलग रूल है, अलग अलग वैल्यूज के साथ चलेंगे. इज दैट क्लियर? अभी आगे हम इस पॉइंट्स को करते हैं, और ये है हमारे पास, जब हम यहाँ इक्वल हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, गैस कांस्टेंट आर. आर को गैस कांस्टेंट बोल सकते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोल सकते हैं. यूनिवर्सल वर्ड मैं तब लगाता हूँ जब कोई गैस कांस्टेंट ऐसा हो जो उस इक्वेशन में आने वाले पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता हो, तो कांस्टेंट बोलते हैं. लेकिन वो इसके अलावा जो पैरामीटर है जो इस इक्वेशन में नहीं आ रहे उन पर भी डिपेंड नहीं करता, तो उसे बोलते हैं हम यूनिवर्सल कांस्टेंट. और ये हमारे लिए हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. आर की वैल्यू एम के एस में होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, सीजीएस में होती है 8.314 10^7 अर्ग मोल पर सेकंड पर केल्विन. नेक्स्ट चैप्टर यूनिट में आपके पास आता है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, और यहां आ रहा है 0.0821 एटीएम पर लीटर पर मोल पर केल्विन. यस और नो? तो ये हमारे पास आर की यूनिट आ गई. इंपॉर्टेंट पॉइंट, पी वन वी वन अपॉन एन वन टी वन इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन एन टू टी टू, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन से आया. अगर एन टी कॉन्स्टेंट होता है तो पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू, सही है. और अगर पी वन एन वन कॉन्स्टेंट है तो आपके पास पी वन अपॉन एन वन कॉन्स्टेंट है तो वी वन अपॉन टी वन इक्वल टू वी टू अपॉन टी टू, और एन वन वी वन अपॉन एन वन कॉन्स्टेंट है तो पी वन अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू अपॉन टी टू होगा. यस और नो? इस चीज को देख लो आप.